सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। कड़वी गोलियां चबाई नहीं निकली जाती है। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता और धोखे, ऐसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाएं, उन्हें चबाते रहेंगे यानी याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वा ही होगा। आज का पंचांग 7 मई 2023 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 8:15 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 8:21 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 5:10 से 6:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:50 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। 7 मई 2023 दिन रविवार, काम अभी तनाव का स्रोत प्रतीत होगा। इसलिए मित्रों के साथ इस मजेदार समय का आनंद लेकर फिक्र को हवा में उड़ा दें। किसी भी चीज के अधिकता और फिजूल खर्चे से बचें। अगर आप पार्टनर खोज रहे हैं तो आपकी तलाश आज खत्म होगी। प्यार, रोमांस और अन्य भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आज खुशी और दिलचस्पी चरम सीमा पर है, किंतु सोच समझकर ही खर्च करें। मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती ही भविष्य में अच्छे निर्णय लेने में सहायता करती है। आज आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। प्रभावशाली इंसान से मदद मिलेगी। भाई बहनों के संबंधों में मधुरता रहेगी। आपके संयम का फल प्राप्त होगा। आपकी परिस्थिति में धीरे धीरे बदलाव हो सकता है। जिन लोगों से आपने अपेक्षा नहीं रखी है वही लोग मदद करेंगे। काम संबंधित बड़ी समस्या दूर होने से पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएंगे। केवल सही लोगों का चुनाव करें। काम संबंधित जिन बातों में बदलाव नहीं हो रहा है उनके बारे में विचार न करें। नया काम जल्द ही प्राप्त होगा। रिलेशनशिप में सकारात्मकता नजर आएगी लेकिन प्रगति धीमी गति से होगी। अभी संयम बनाए रखें। सावधानियां, किसी विपरीत परिस्थिति में मन में नकारात्मक विचार न आने दें। बातचीत में किसी की भावनाएं आहत ना हो इस बात का ध्यान रखें। किसी खास चीज के चोरी होने की आशंका है, अपनी सुरक्षा खुद करें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार वालों में आपसे तालमेल से घर की व्यवस्था अच्छी रहेगी। परिवार के साथ घूमने का भी प्लान बन सकता है। प्यार के खेल में हार कर ही प्रेमियों की जीत होती है। अपने साथी को खुश देखना अपनी प्रसन्नता से भी बढ़कर है। यह समय एक डिवाइन लव में खो जाने और कल्पना का सही प्रयोग करने का है। अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें। प्रेम का इंद्रधनुष आज आप पर मुस्कुरा रहा है और आप सांसारिक सुख का अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। अगर आप जीवन साथी खोज रहे हैं तो आपकी खोज अब खत्म होती है। आपका रोमांस, उत्तेजकता और परम आनंद आपके रिश्ते को अर्श तक पहुंचा देगा। अपने खास मित्र की ओर आकर्षित महसूस करेंगे। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने मनोरंजन व आराम को लेकर गंभीर हैं और कुछ समय तथा अपनों के लिए निकालना चाहते हैं। लॉटरी टिकट जुआ आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इनसे दूर रहें। अपने रास्ते में आने वाली हर समस्या का सामना करके जल्द ही आप विजेता के रूप में उभरेंगे। आपके जीवन का यह समय प्यार और रोमांस से भरपूर है। अगर आप सांसारिक सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो जीवन साथी की तलाश करें। कम से कम आज अपनी कमियों को दिमाग से बाहर निकाल दें। इस अद्भुत दिन का आनंद लें और अपने दिल व दिमाग को उन भावनाओं के लिए खुला रखें जो अब आपके सामने हैं। बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां हैं। बाहरी लोगों की मदद से आपके कामों में तेजी आएगी। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। नौकरी में आपके काम से अधिकारी खुश रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। सेहत अच्छी रहेगी। मानसिक सुकून और शांति रखने के लिए थोड़ा समय एकांत या अध्यात्म में बिताएं। बदन दर्द ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी की सहायता लें।
आज का उपाय, आज अब सूर्य भगवान जी की पूजा करें शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।